पार्टी के वफादार है, ठीक है, न्याय न्यायपालिका इनका पूरा भरोसा है। पंजाबी एक चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, पिंड कुदा की महिला सरपंच सीमा राणी के पति तो कथित तौर पर 4 लाख रुपए रिश्वत लैण के मामले में विजिलेंस वालों गिरफ्तार किए गए। आम आदमी पार्टी के बठिंडा देहाती तो विधायक अमित रतन को माणयोग अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिता है। विधायक के करीबी ऋषभ गर्ग के पुलिस रिमांड में 1 दिन का होर वाधा कर दिता गया है। जानकारी मुताबिक विजिलेंस ने विधायक अमित रतन को राजपुरा नेड़े गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी मगरों बठिंडा लेके पहुंची टीम ने कई घंटे लगातार पूछगिछ करन मगरों विधायक नूं अदालत विच पेश किया गया है। विजिलेंस के DSP कुलवंत सिंह ने दस्सिया कि अमित रतन का 5 दिन का पुलिस रिमांड दिता गया है, जदों कि ऋषभ गर्ग का 1 दिन का होर पुलिस रिमांड वधा दिता गया है। पेशी मगरों वापस लिजाण वेले अमित रतन ने कहा कि यह विरोधियों दी चालां हन। अमित रतन ने कहा कि उन्होंने न्यायपालिका ते पूरा भरोसा है। दसने है कि विधायक के नज़दीकी ऋषभ गर्ग नूं पिंड कुदा के सरपंच के पति कोलों 4 लाख रुपए रिश्वत लैंदे बठिंडा सर्किट हाउस विचों गिरफ्तार किया गया है। ऋषभ की गिरफ्तारी वेले विधायक भी उत्थे ही मौजूद सी, पर उस वेले उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया गया सी। विधायक की इस मामले विच गिरफ्तारी ना होने करके विरोधी धिरां वल्लों सरकार ते लगातार निशानेबाजी की जा रही। इस सब के चलद मामले दौरान एक आडियो वायरल हुई सी, जिस विच पैसों के लैन देन की गल की जा रही सी। विजिलेंस ने आडियो नूं केस का हिस्सा बनाउंदियां जांच लई फोरेंसिक लैब विच भेजे सी, जिथे विधायक की आवाज़ की पहचान किए जाने बारे पता लग्या है। इस मगरों विजिलेंस ने उच्च अफसरों तो मिली प्रवानगी तहत विधायक अमित रतन नूं राजपुरा नेड़ियों गिरफ्तार कर लिया सी। माणयोग अदालत ने अज विधायक नूं 5 दिन के रिमांड पर भेज दिता, जदों कि विधायक के करीबी का 1 दिन का होर पुलिस रिमांड वधा दिता गया है। सो इस तक की वड्डी खबर, होर खबरां देखने लिए साडे चैनल नाल बने रहो। धन्नवाद। अंदर बुलाया गया सी, पूछगिछ कीती, की कुछ हुण तक पुछया गया ते की कुछ हुण तक मेरे कोल हुण पुछया कुछ नहीं गया जी। एक तो कुछ साइन वगैरह रहिंदे सीगे मेरे, जिहड़े साइन होणे सी कराए। कोई तुहानू प्रेशराइज कीता गया होवे, कोई दबाव होवे, कोई इस तरीके नूं लैके कोई हुण तक नहीं? कोई खास नहीं, कुछ खास नहीं। मतलब ये कहा जा सकता कि कोई नहीं रूटीन च तो कदे बैठदे ने, जा के वेरी कोई कहंदा भी यार वड्डा बंदा सीगा MLA सी ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ MLA ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ। किसी तरीके की हम तक कार्रवाई हुई है कि तक तो पहुंची होगी ना, कार्रवाई की हुई है? कार्रवाई तो देखो जो रिश्वत गर्ग आ ये सीगा, उन्हें 1 हफ्ता हो गया पूरा कस्टडी है उन्हें खुलासे किए हो जो कि डिस्कलोज देखो मैं तो करने ना ही मैं पता है। वो तो बिजनेस अधिकारी ने करना शिकायत की थी किसी का जिम्मे ऑडियो के आधार पर की होर आधार की उन्होंने लैके विजिलेंस ने की उस आधार पर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ MLA ਆ ਇਹਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।